और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खेल मंत्री के बुलावे पर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की बैठक चल रही है। समर्थकों से चर्चा के बाद बैठक पर फैसला करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात को मान ले, ये बड़ा बयान सामने आया। प्रस्ताव ठीक होगा तभी हम मानेंगे। साक्षी मलिक बैठक के लिए अभी कोई समय तय नहीं किया है, ये बयान साक्षी मलिक का यहां पर सामने आ रहा है। खेल मंत्री के साथ बजरंग पुनिया, साक्षी की बैठक चल रही है। सरकार के साथ बैठक में राकेश टिकैत भी मौजूद हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं राकेश टिकैत। अब देखना यह है, जो एक लड़ाई चल रही थी पहलवान इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, खाप पंचायतों का आयोजन हो रहा था, इसे निकलेगा क्या? चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, जरा अपडेट बताएं और ये समझाएं कि राकेश टिकैत पहलवानों और सरकार के बीच क्या रोल निभा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि राकेश टिकैत, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक तीनों पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर। राकेश टिकैत सरकार और खिलाड़ियों के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, जिससे कि निष्कर्ष निकाला जा सके। और जिस तरह से 45 दिनों से तमाम जो खिलाड़ी आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं कि बिजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होनी चाहिए, और उसी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता रहा। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के ऊपर जिस तरह से 28 तारीख को FIR भी दर्ज की गई, और उसके बाद जाकर खिलाड़ियों ने जिस तरह से आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया, जिसमें कई सारे किसान नेता, चढ़ूनी ग्रुप हो या फिर राकेश टिकैत ग्रुप हो, सभी किसान नेता एक साथ आ गए खिलाड़ियों के समर्थन में। ऐसे में जब खिलाड़ियों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, और उसके बाद जब हरिद्वार में जाने का फैसला किया कि तमाम जो उनके मेडल हैं वो गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे, और उसके बाद जाकर सरकार अब कहीं ना कहीं सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह के साथ खिलाड़ियों की बैठक हुई, गृहमंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि इस पूरे मामले में न्याय होगा और खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, और उसके बाद जाकर गृहमंत्री के इंटरवेंशन के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को एक बार फिर से बैठक करने का न्योता दिया, और इसके बाद जाकर अब यहाँ पर सबसे पहले बजरंग पुनिया पहुंचे हुए हैं अनुराग ठाकुर के घर पर, और उसके बाद उनके पीछे पीछे राकेश टिकैत पहुंचते हैं और साक्षी मलिक उसके बाद पहुंचती हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, अब देखना होगा कि ये बैठक कितने दौर में होती है, क्योंकि पहली बैठक से पूरा निष्कर्ष निकाला जाना ये असंभव लग रहा है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी लगातार दबाव यह बना हुआ है। जिस तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन ने साफ कहा है कि 17 तारीख से पहले भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव कराया जाना है, अगर नहीं चुनाव कराया जाता है तो ओलंपिक में जब भारत अपना प्रतिनिधित्व करेगा, ओलंपिक में जाएगा, वहां पर अगर खिलाड़ी मेडल जीतते भी हैं तो वो चार्ट में टैली नहीं किया जाएगा, और इसको लेकर सरकार के ऊपर दबाव लगातार बनता जा रहा है। एक तरफ किसान नेता और तमाम खिलाड़ी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर अब जाकर ये बैठक एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दीपक, एक सवाल ये भी बनता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, अब अनुराग ठाकुर से मुलाकात हो रही है, तो ये बीच का रास्ता क्या समाधान यही होगा कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि सरकार पहलवानों की हर बात मानने को तैयार है, लेकिन गिरफ्तारी की बात को लेकर सरकार आश्वासन नहीं दे रही है, तो क्या यही कोई बीच का रास्ता होगा, या फिर जो पहलवान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि गिरफ्तारी तो होनी चाहिए? जी, अब देखना होगा कि क्या कुछ सरकार बीच का रास्ता निकालती है या फिर खिलाड़ियों की मांग को मान लेती है, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए बृजभूषण शरण सिंह की, और इसके साथ साथ जब कुश्ती महासंघ का चुनाव होगा तो उसमें बृजभूषण शरण सिंह का परिवार या बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो हालांकि 3 मांगों को ज़रूर मांग लिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन एक
मांग को लेकर पूरा पेज फंसा हुआ है कि विभूषण सरन सिंह की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कब होती है। अब देखना होगा कि गृहमंत्री अमित शाह से जिस तरह से बैठक हुई, गृहमंत्री का इंटरवेंशन हुआ, गृहमंत्री से बजरंग पुनिया की फ़ोन पर बातचीत हुई और उसके बाद जाकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से खिलाड़ियों को बैठक करने का न्योता भेजा। अब जब न्योता स्वीकार कर लिया गया है खिलाड़ियों की तरफ से, खिलाड़ी अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, साक्षी बजरंग पुनिया मध्यस्थता कर रहे हैं, राकेश टिकैत, तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ इस पूरे मामले में पहल अपनी तरफ से आगे बढ़ाती है। क्योंकि खिलाड़ियों का साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से तीनों खिलाड़ियों ने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद कई सारी बातें ऐसी निकल कर सामने आई कि खिलाड़ियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ से उसके बाद भी सफाई यह दी गई कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया है, ज़रूरत पड़ती है तो वो नौकरी त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक इस पूरे मामले में बृजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। क्योंकि मामला गंभीर है, यौन शोषण से जुड़ा हुआ है, ना सिर्फ देश। ठीक है दीपक लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे दोबारा आपके पास अपडेट के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर है, एक बार फिर सरकार और पहलवानों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बातचीत में एक तरफ देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनके घर पे ये बैठक हो रही है, पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक हैं और साथ में राकेश टिकैत भी हैं। अब राकेश टिकैत की भूमिका क्या रहती है, इस मुलाकात से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन